पटना, पावन, सरल और निरंतर बहने वाली नदी गंगा के तट पर बसा एक प्राचीन शहर है पटना। बिहार की राजधानी पटना न सिर्फ दुनिया का सबसे बसे पुराने शहरों में से एक है, बल्कि यहाँ का जीवन गंगा के पवित्र जल की तरह हमेशा से यहाँ पे बहता रहा और किसी बड़े छायादार वृक्ष की तरह अपनी जड़ें मजबूत बनाता रहा। सदियों से ही पटना में जीवन व्यापन रहा है, इसलिए पटना प्राचीन काल से अलग अलग नामों से जाना गया। पटना को लोग मगध या पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। पटना हमेशा से राजधानी रहा। यहाँ पर शासन करने वाले वंश थे हरियंका, नंदा, मौर्य, सुंगा, गुप्ता, पाला। आधुनिक पटना शहर गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। आइए देखते हैं पटना। शुरुआत करते हैं पटना जंक्शन से। पटना जंक्शन जुड़ा है देश भर के छोटे बड़े शहरों से। नई दिल्ली और कोलकाता के बीच में पड़ने की वजह से पटना जंक्शन पे रेलगाड़ियों का तांता लगा रहता है, क्योंकि नई दिल्ली कोलकाता का रेल मार्ग भारत के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। पटना शहर में 6 प्रमुख रेलवे स्टेशन है। पहला पटना जंक्शन, दूसरा राजेंद्र नगर टर्मिनल, तीसरा गुलजार बाग स्टेशन, चौथा दानापुर स्टेशन, पांचवा पाटलिपुत्र स्टेशन, छठा पटना साहिब स्टेशन। आइए अब हम बात करें पटना के एयरपोर्ट की। पटना वैसे तो एक प्राचीन शहर है, मगर बदलते समय के साथ साथ पटना भी बदल रहा है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हवाई अड्डा भारत का 21वां सबसे ज्यादा उड़ान हवाई यातायात वाला हवाई अड्डा है। आइए अब हम बात करें पटना के बस सुविधा के बारे में। हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का एक बड़ा टुकड़ा बिहार में आता है। वहाँ पे GIPL ने एक खास बदलाव लाया है। यहाँ पे पब्लिक यातायात के लिए आधुनिक एवं आरामदायक मर्सिडीज बेंस और वॉल्वो की वातानुकूलित बसें चल रही हैं। इन बसों का उत्पादन भी भारत में शुरू हो गया है। बस में आरामदायक कुर्सियों के साथ यात्रियों के मनोरंजन की सुविधा के लिए डिश टीवी है। वातानुकूलन के लिए AC और हीटर दोनों है। GPS, CCTV, Wi-Fi इंटरनेट के साथ साथ हर सीट में लैपटॉप और मोबाइल चार्ज करने के लिए पॉइंट भी बने हैं। इन बसों के चलने से यात्रियों के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना और भी आसान और आरामदायक हो गया है। गांधी सेतु पुल। महात्मा गांधी सेतु को गांधी सेतु या गंगा सेतु के नाम से ही जाना जाता है। गंगा नदी पे बना ये सेतु पटना और हाजीपुर को जोड़ता है। ये 5,575 मीटर लंबा सेतु है। 1982 में इंदिरा गांधी द्वारा इस सेतु का उद्घाटन किया गया था और तब से लेकर आज तक ये सेतु एशिया का सबसे लंबा नदी में निर्मित सेतु है। के अलावा पटना शहर में आपको कई और नए बने एवं नए बनते सेतु देखने को मिलेंगे, जैसे बेली रोड पे, एग्जीबिशन रोड पे, स्टेशन रोड, हाल ही में शुरू हुए GPO सेतु जो कि GPO से मीठापुर बस अड्डे का 1 घंटे के रास्ते का महज 5 से 10 मीटर रास्ता बना देता है। इसके अलावा
पटना शहर में और भी कई नई सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है। महावीर मंदिर। पटना जंक्शन के पास बना ये मंदिर हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर पटना के कुछ बहुत ही पवित्र जगहों में से एक है। जामा मस्जिद पटना जंक्शन न्यू मार्केट के पास है। जामा मस्जिद, ये मस्जिद बिहार की एक बड़ी मस्जिद है। अगम कुआं पुरातन विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। पटना में गुलजार बाग स्टेशन के पास स्थित ये जगह मौर्य काल के सम्राट अशोका ने अपने 99 बड़े भाइयों को मार के इस कुएं में डलवा दिया था। इस कुएं की गहराई को कोई भी जान नहीं पाया। इस पानी के स्रोत के बारे में आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। तख्त श्री पटना साहिब 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थल की याद में महाराज रंजीत सिंह द्वारा इस गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था। पटना साहिब में स्थित ये गुरुद्वारा पटना की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। पादरी की हवेली को सेंट मैरीज चर्च भी कहा जाता है। सन 1713 में बना ये चर्च बिहार का सबसे प्राचीन चर्च है। आज भी ये इमारत अपने में कई सदियां समेटे खड़ी है। हज भवन, हज पे जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनी एक बहुत खूबसूरत इमारत है हज भवन। हज यात्रा एक बहुत ही नेक और पाक यात्रा मानी जाती है। हज भवन हर हाजी को तैयार करता है ताकि वो आराम से हज कर सके। काली मंदिर, गंगा किनारे बना ये मंदिर काली माता का है। इस मंदिर को दरभंगा हाउस भी कहा जाता है। सतमूर्ति, सतमूर्ति की नींव 15 अगस्त 1947 में रखी गई थी। इसको मार्टियस मेमोरियल भी कहते हैं। ये शहीद स्मारक वो जगह है जहां 7 बहादुर जवान लड़कों की मूर्तियां लगी हैं, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी थी। अंग्रेजों की भारत से बाहर निकलने वाले एक आंदोलन में 1982 में इस जगह की नींव बिहार के राज्यपाल माननीय जयराम दास दौलत राम ने रखी थी। इसमें शहीद गौरवराज, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवीपाड़ा चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह की मूर्तियां बनाई गई हैं। ये 7 मूर्तियां इटली में बनाई गई थी और इनको विधानसभा परिषद के सामने लगाया गया है। लोकसभा, पटना में लोकसभा की 2 सीटें हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। विधानसभा, बिहार विधानसभा की स्थापना 1937 में हुई थी जिसमें 152 सदस्य थे। यहां पहली बार मतदान 1952 में हुए थे। विधानसभा परिषद भी पटना की खूबसूरत जगहों में से एक है। आइए बात करते हैं पटना विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। पटना में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं: दिघा, बांकीपुर, पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी, कुमरार, बिस्कोमान भवन। 71 मीटर ऊंची ये इमारत पटना की शान है। इसमें जहां प्राइवेट और सरकारी दफ्तर है, वहीं इसके ऊपरी माले पर पिंड बालूची का रेस्टोरेंट है, जो कि एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। और यहां से इस ऊंचाई पर बैठकर पटना की खूबसूरती का मजा लजीज खाने के साथ उठा सकते हैं।
बुद्ध स्मृति पार्क पटना जंक्शन के पास फ्रेजर रोड पे स्थित बुद्धा स्मृति पार्क राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। इस पार्क को लोग बुद्धा मेमोरियल पार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस पार्क की स्थापना भगवान बुद्ध की 2554वीं जयंती पर उनकी याद में बनाया गया था। माननीय दलाई लामा जी के हाथों से उद्घाटन इस पार्क में मेडिटेशन सेंटर, स्मृति पार्क, संग्रहालय, स्तूप, बौद्धिक पेड़, बुद्ध स्मृति जैसी अन्य चीजें भी मौजूद हैं। इको पार्क पटना के स्टैंड रोड पर पुनाई चेक पे बना ये इको पार्क राजधानी वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्क में 3000 से भी ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे हैं। अक्टूबर 2011 में तब के सीएम नीतीश कुमार ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। ये पार्क वन विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं, क्योंकि इस पार्क में हर उम्र के लोगों का ख्याल रखा जाता है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के जगह से लेकर जॉगिंग ट्रैक, बोटिंग, गार्डन एवं फैमिली के लिए बहुत सारी जगह है, जो कि बेहद खूबसूरत और हरियाली से भरी हुई है। कैसा लगा आपको इको पार्क आके? बहुत ही अच्छा लगा। क्यों आते हैं आप इको पार्क? इको पार्क आने का मेन मोटिव रहता है कि आदमी अपना माइंड फ्रेश कर सकता है यहाँ पे आके, और दिन भर का टेंशन सब यहाँ पे आके दूर कर सकते हैं हम लोग। तो माइंड फ्रेश हो गया? हाँ, माइंड फिलहाल तो फ्रेश है। कितना फ्रेश हुआ? आई थिंक 100%। ये बताइए कि इको पार्क में आने के बाद आप रिलैक्स फील करते हैं? कैसा महसूस होता है यहाँ पर आने के बाद? मतलब क्या है यहाँ वातावरण, कैसा मिलता है यहाँ पर? कुछ गलत तरीके के लोग हैं या किस तरीके से लोग हैं? लोग गलत तरीके के हर जगह होते हैं, बस माइंड नहीं करना है, अपना इंजॉय करना है। चलते तो आप अपने दोस्तों के साथ हमेशा हर शाम यहाँ बिताने आते हैं? हर शाम अधिकतर आते हैं। कैसा लगता है यहाँ पर आने के बाद? अच्छा लगता है। और भविष्य में भी आना चाहेंगे? हाँ, जरूर। कुछ बेहतर मतलब सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं हमारे कैमरा के माध्यम से आज पूरे कुछ इको पार्क को लेकर कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप? सुझाव क्या मतलब, आपको अच्छा लगता है या इसे और बेहतर बनाना चाहिए? फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है कि सुझाव हम दें। बेहतर है आपके हिसाब से? बेहतर है, इससे और बेहतर नहीं हो सकता है। हल्का सिक्योरिटी मेंटेन करें तो ज्यादा। साफ सुथरा कैसा रहता है? साफ सुथरा ठीक है। ठीक है, नमस्कार। गांधी मैदान या गांधी मार्ग पटना की महत्वपूर्ण जगह है। इसके चारों ओर कई प्रतिष्ठित कॉलेजेस ने अपने पैर जमा रखे हैं। इसके साथ साथ यहां पटना के कई पुराने और बड़े बाजार भी हैं। मोना सिनेमा, गांधी मैदान में स्थित ये सिनेमा घर पटना का पहला 70mm स्क्रीन वाला सिनेमा घर है, जो कि आधुनिक युग और बदलते समय के साथ आधुनिक हो गया है, और अब मोना सिनेमा घर मल्टी स्क्रीन सिनेमा घर में बदल गया है। रीजेंट सिनेमा घर, रीजेंट सिनेमा घर गांधी मैदान के पूर्वी हिस्से में स्थित है। रीजेंट सिनेमा अब बदलकर फन सिनेमा हो गया है। कारगिल चौक, सन 2000 में गांधी मैदान के पास बनाया गया
ये कारगिल चौक 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले बिहार और झारखंड के उन जवान सैनिकों की याद में बनाया गया था। हमारा शत शत नमन। श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल गांधी मैदान में स्थित ये हॉल सन 1976 में बना था। ये हॉल बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्णा सिन्हा की याद में बनाया गया था। इस हॉल में 2000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। गांधी म्यूजियम। गांधी म्यूजियम को गांधी स्मारक संग्रहालय कहा जाता है। इस संग्रहालय में गांधी जी का पटना आंदोलन का योगदान और उनके जीवन को दर्शाया गया है। यहाँ उनकी आत्मजीवी तस्वीरें, पेंटिंग, मूर्तियां, उनके लिखे हुए लेख और खत आदि सैलानियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। श्री कृष्णा साइंस सेंटर। 1978 में स्थापित ये साइंस सेंटर समाज और स्कूल कॉलेजेस छात्रों को फायदा पहुंचाने और उनको साइंस के प्रति प्रेम व रुचि बढ़ाने के लिए किया गया था। इस साइंस सेंटर का नाम बिहार के पहले सीएम श्री कृष्णा सिन्हा के नाम पर है। उद्योग भवन। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी BIADA को उद्योग और औद्योगिक योजनाओं को बताने एवं उनके संरक्षण के लिए बनाया गया था। इसको बनाने की एक वजह ये भी थी कि उद्योग में बढ़ोतरी लाएंगे। सन 1770 में आए भयानक सूखे में कई हजार लोगों की जाने गई थी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले गोल घर का निर्माण कराया। 1786 मीटर कैप्टन जॉन ग्रास्टिंग द्वारा पूरा किया गया। इस गोल घर में अनाज रखा जाता था ताकि सूखे के समय अनाज की अगर कमी हो तो लोगों को वहां से अनाज दिया जा सके। अनाज की सुरक्षा के लिए बना ये गोल घर अपनी 3.6 मीटर मोटी दीवार के सहारे खड़ा है। इसके निर्माण में किसी भी स्तंभ या खंभों का उपयोग नहीं किया गया है। 145 घुमावदार सीढ़ियों की मदद से आप गोल घर के ऊपर पहुंच सकते हैं, जहां से पटना शहर और गंगा नदी का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। पटना संग्रहालय। 1917 में बना यह संग्रहालय बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय है। यहाँ जानवरों की बड़ी हुई खाल से लेकर मूर्तियां, तस्वीरें, चाइनीज कलाकृतियां, पहले विश्व युद्ध की तोपें और भगवान बुद्ध की अस्थियां तक पटना संग्रहालय में आप देख सकते हैं। ये संग्रहालय हफ्ते में 6 दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक खुलता है और सोमवार को बंद रहता है। मौर्यालोक। मौर्यालोक पटना के सबसे महत्वपूर्ण और पुराने बाजारों में से एक है। यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दुकानें, रेस्टोरेंट और कई सरकारी दफ्तर भी हैं। बख्श मशरकी किताब खाना। खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा अक्टूबर 1819 में शुरू की गई ये पुस्तकालय भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय में से एक है। शुरुआत में यहाँ 4000 किताबें थी, जिसमें 1400 किताबें खान बहादुर बख्श के पिताजी मौलवी मोहम्मद बख्श की थी। सांस्कृतिक मंत्रालय इस पुस्तकालय की देखरेख करता है और इसकी देखभाल
बिहार के राज्यपाल करते हैं। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट के तहत इसको मैन्युस्क्रिप्ट कन्वर्जेशन सेंटर की उपाधि भी दी गई है। संजय गांधी जैविक उद्यान बेली रोड पे स्थित इस जैविक उद्यान में कई प्रकार के जीव जंतु, पक्षी एवं पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा यहाँ बोटिंग के तालाब और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ ट्री हाउस भी है। पटना हाई कोर्ट बिहार बेंच की इस हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुई थी। ये बिहार लेवल का सबसे सर्वोत्तम कोर्ट है। पटना जुडिशियल एकेडमी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री रवि स्वरूप धवन द्वारा इसकी स्थापना 2003 में तब की जब सीएम राबड़ी देवी की मौजूदगी हुई थी। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री रवि स्वरूप धवन द्वारा इसकी स्थापना 2003 में तब की सीएम राबड़ी देवी की मौजूदगी हुई थी। गंगा किनारे बने इस एकेडमी में आए दिन तरह तरह के कार्यक्रम एवं वर्कशॉप होती रहती है जिसमें प्रोफेशनल और जुडिशियल कलाओं को निखारा जाता है। इसका कंपाउंड 5 एकड़ से भी ज्यादा जगह में फैला हुआ है। यहाँ हाईटेक क्लासरूम, सेमिनार हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, मीटिंग रूम्स, लाइब्रेरी, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स, पार्किंग स्पेस, गार्डन आदि सुविधाएं हैं। पटना डेयरी प्रोजेक्ट्स PDP अक्टूबर 1, 1984 में नेशनल डेयरी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। आज इस प्रोजेक्ट के देन से यहाँ सुधा दूध एवं दूध से बना सारा सामान पूरे पटना में उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यहाँ अमूल दूध, राज दूध आदि भी बाजार में आसानी से मिलते हैं। सुधा डेयरी एक बहुत आधुनिक और बड़े इलाके में फैली हुई डेयरी है। खेलकूद में तो पटना हमेशा से रुचि रखता आया है और इस बात की पुष्टि की यहाँ बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम से हो ही जाती है। मोनुल हक स्टेडियम मोनुल हक स्टेडियम का नाम 1970 में पड़ा। इससे पहले इसको राजेंद्र नगर स्टेडियम कहा जाता था। इस स्टेडियम में 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं जिसमें से एक 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच था। इस स्टेडियम में 25,000 लोग बैठ सकते हैं। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहले कंकड़बाग स्टेडियम कहा जाता था। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग में स्थित है। स्टेडियम मल्टीपर्पस है। यहाँ पहला महिला वर्ल्ड कप कबड्डी कंपटीशन हुआ था जिसमें 16 देशों ने हिस्सा लिया था। पटना प्लेनेटोरियम इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम बना हुआ है साइंस कॉम्प्लेक्स में और इसकी स्थापना 11 करोड़ की लागत से 21 मार्च 1993 में हुई थी। यूं तो पटना एक बहुत ही एडवांस सिटी है। आइए हम जानें यहाँ के कॉलेजेस और स्कूल्स के बारे में।
पटना हमेशा से पढ़ाई में आगे रहा। यहाँ पे लिटरेसी स्केल 84.71% है। अब हम जाने यहाँ के अस्पतालों के बारे में। पटना मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल। सन 1925 में बना ये मेडिकल कॉलेज पहले प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना AIIMS। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बना ये छठा अस्पताल है। पटना एम्स फुलवारी शरीफ में स्थित है। महावीर कैंसर संस्थान पटना 12 दिसंबर 1998 में स्थापित ये अस्पताल कैंसर के इलाज के लिए प्रसिद्ध है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत बनाया गया और यहाँ के डायरेक्टर हैं श्री जितेंद्र कुमार सिंह। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 19 नवंबर 1983 में स्थापित ये अस्पताल बेली रोड के राजा बाजार में स्थित है। नालंदा मेडिकल कॉलेज सन 1970 में बना ये अस्पताल कंकड़ बाग रोड पर स्थित है। इस अस्पताल को NMCH भी कहते हैं। पारस हॉस्पिटल पारस अस्पताल पटना का एक प्रतिष्ठित प्राइवेट अस्पताल है। ये राजा बाजार बेली रोड पर बना हुआ है। RMRIMS राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की याद में बनाया गया है। शॉपिंग किए बिना अगर आप पटना में आए हैं तो यहां से बिना शॉपिंग किए जा नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां के बाजारों और मॉल के रौनक को आप अपनी ओर आकर्षित करता पाएंगे। यहाँ के कुछ खास बाजार एवं शॉपिंग मॉल है GV मॉल, ऑर्चिड मॉल, PNM मॉल, इसके अलावा और भी बहुत सारे शानदार मॉल हैं, शॉपिंग मार्ट है। खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट, न्यू पटना मार्केट के अलावा यहाँ कई और मार्केटें बनी हुई है। आइए हम बात करें बिहार के पहले मुख्यमंत्री के बारे में। यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिन्हा जी। इनका जन्म 1887 में खनवा जिला नवादा बिहार में हुआ था। अपने जीवन के शुरुआती दौर में इन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया और आजादी में भी इनका बड़ा योगदान रहा। इनका राज्यकाल 1946 से 1961 तक था, पर आज भी पटना इनकी यादों से भरा हुआ है। पटना क्लब, पटना क्लब शादियों, जन्मदिन, तैराकी, डांडिया नाइट के लिए प्रसिद्ध है। पटना पुलिस स्टेशन,
पटना पुलिस स्टेशन आधुनिक तकनीकों से लैस एक मॉडर्न पुलिस स्टेशन है। होटल्स, अगर आप पटना आए तो यहाँ के कुछ प्रसिद्ध होटलों में रुक सकते हैं। मौर्या, चाणक्य, गार्गी ग्रैंड, शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा और ये बात सुनकर उनको आश्चर्य होगा, मगर बिहार में गोल गप्पे को गुपचुप बोला जाता है। अगर आप बाजार में घूम रहे हैं और आपका मन कुछ चटपटा खाने को कर रहा है तो आप यहाँ आकर गुपचुप जरूर खा सकते हैं। छोले भटूरे, इनके बारे में तो कोई कैसे भूल सकता है। यहाँ के लोगों में छोला भटूरा बहुत ही प्रिय भोजनों में आता है और आप भी इसका मजा उठा सकते हैं यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित खाने की जगहों में। यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित खाने की जगहें हैं बंजारा, मौर्या लोक और यहाँ का एक और खास है खाजा, जो मिलता है कोतवाली के पास। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे व्यंजन आप पटना शहर से खा के उसका लुफ्त उठा सकते हैं। आइए अब आपको पटना के त्योहार दिखाते हैं जो यहाँ के लोग पूरे जोश और श्रद्धा से मनाते हैं। उगते सूरज की पूजा तो हर कोई और हर कहीं की जाती है, पर बिहार के मशहूर त्योहार छठ पूजा में डूबते सूरज की पूजा की जाती है। वैसे तो बिहार में दीपों के त्योहार, दीपावली रंगों का त्योहार, होली, ईद,
क्रिसमस तो धूमधाम से मनाई ही जाती है, पर बिहार में दुर्गा पूजा और छठ पूजा का रंग ढंग अलग ही हो जाता है। बिहार जैसी दुर्गा पूजा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। हर साल कार्तिक महीने की सृष्टि को मनाया जाने वाला ये पर्व सूर्य देव का एक ऐसा पर्व है जो शारीरिक एवं मानसिक सुख का प्रतीक है। ये पर्व, ये व्रत आस्था श्रद्धा का प्रतीक है, इसका फल भी मिलता है। इस व्रत को करने के लिए और इसके बाद गंगा घाट में आपको गंगा आरती भी देखने को मिलेगी, जो आपको आत्मिक शांति प्रदान करेगी। यहाँ पे आरती के बाद लोग दीप दान करते हैं और ये दीप उस पावन और चंचल जल में बहता चला जाता है। ऐसा है हमारा शहर पटना।